हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमिताज किचन। सुमिताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसी चीज़ से आप बना सकते हैं। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने इधर एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद मैंने इधर सरसों के तेल डाला है। सरसों के तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सब्जी डालेंगे। तो मैंने इधर पहले एक कप फ्रेंच बीन्स जो होता है ना उसको डाला है। उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद एक कप के बराबर मैंने गाजर डाला है। ठंडी में जो गाजर मिलता है ना, लाल वाला गाजर, उसको हम डाला है। तो सब्जी को ना हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सब्ज़ी में जो जो हरा हरा जो तो स्मेल आता है ना वो चला जाए, बस इसीलिए हम फ्राई कर रहे हैं। तो उसके बाद हम एक छोटा सा कैप्सिकम लिया है और आधा कप के बराबर हरा मटर लिया है। तो सबको ना 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। ज़्यादा आप सब्ज़ी को फ्राई करेंगे ना तो सब्ज़ी में जो क्रंचीनेस है वो चला जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमारा जो सब्ज़ी है वो फ्राई हो चुका है। उसके बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको। ये देखिए, हमारा जो सब्ज़ी एकदम क्रंची दिख रही है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो सब्ज़ी निकालने के बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, सरसों के तेल। तो उसके बाद 2 अंडा मैं डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। अंडे को ना हम भुर्जी बना लेंगे। तो स्वाद के अनुसार हम इधर नमक डाल देंगे। उसके बाद अंडे को हम भुर्जी बना लेंगे। ये देखिए, हमारा जो अंडा है एकदम फ्राई हो चुका है, उसको भी हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये देखिए, हम अंडे को भी सब्जी के ऊपर रख दिया है क्योंकि सब्जी और अंडा एक ही साथ जाएगा। तो उसके बाद भी हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद तेल को ना हमें अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। और इस टाइम पे देखिए, मैंने इधर लहसुन लिया है, अदरक लिया है और हरी मिर्ची लिया है। तो अब जब भी ना लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को तेल में डालें, ऐसे ढक्कन लगा दें ताकि उसका जो खुशबू है ना वो बाहर ना जाए, नहीं तो बाहर चला जाएगा ना, जो आपका रेसिपी है बहुत ही ख़राब हो जाएगा, उसमें कुछ भी स्मेल नहीं आएगा। तो जब भी आप ऐसे बनाएं तो तेल में डालने के बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को आप ढक्कन लगा दें। तो देखिए, हमारा जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची है वो फ्राई हो चुका है। उसके बाद हम फ्राई किया हुआ सब्जी और अंडा भी डाल देंगे। तो सभी को एक साथ मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के टाइम पे आपको गैस को एकदम हाई फ्लेम पे रखना है क्योंकि हमारे सब्जी में जो थोड़ा बहुत पानी है वो सूख जाएगा। उसके बाद ये देखिए, मेरे घर में बचा हुआ चावल था उसको हम डाल दिया है। आपको एकदम बासमती राइस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर में हर वक्त बासमती राइस अवेलेबल नहीं रहता है। तो आपको अगर फ्राइड राइस खाने का मन हो तो आप घर में जो चावल आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उससे भी आप बना सकते हैं, टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा कुछ। तो चावल को भी हम सब्जी और अंडे के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने पूरा एकदम मिक्स कर लिया है। उसके बाद स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। तो जब भी सब्जी को फ्राई करें उस टाइम पे हम नमक ना ही डालें क्योंकि आप नमक डालेंगे ना तो उस टाइम पे सब्जी में पानी छोड़ देगा, तो आपका जो सब्जी है एकदम पानी पानी सा हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब भी आप मिक्सिंग कर लें, उसके बाद हम एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बड़ा सा कटा हुआ कच्चा प्याज डाल देंगे। तो अब अगर प्याज को फ्राई कर लेंगे एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें जो क्रंचीनेस है वो चला जाएगा। तो जब भी आप प्याज डालें ना ऐसे फ्राइड राइस में लास्ट में डालें, तो जब भी आप सर्व करें उसमें प्याज में थोड़ा सा क्रंचीनेस होगा तो खाने में अच्छा लगता है।
तो तैयार हो चुका है हमारा फ्राइड राइस एकदम घर में, घर के जो जो भी आप चीज़ अवेलेबल है उससे आप बना लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप घर पे कैसे ये रेसिपी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।